हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमी प्लस पर। माय नेम इज दीपक तोमर एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स नीम राणा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूज करने जा रहे हैं वर्चुअल लैब। दोस्तों, वर्चुअल लैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक्चुअल जो कंपोनेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो नहीं होते। बेसिकली यहाँ पर आप सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं और इजीली सिमुलेट योर सर्किट। तो इसी तरीके से आज हम देखने जा रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर को आप किस तरीके से सिमुलेट कर सकते हैं। इन दिस लैब यू कैन एक्चुअली फील द सर्किट, यू कैन एक्चुअली फील द वेवफॉर्म को विजुअलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप इनपुट वेवफॉर्म दे रहे हैं और किस तरीके से आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिल रही है। एंड इस वर्चुअल लैब को यूज करने के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए एक बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और आपका काम हो जाएगा। आप इजीली वर्चुअल लैब के थ्रू अपने जो प्रैक्टिकल्स हैं, इजीली आप उनको कर सकते हैं घर बैठे। सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में ये एक्चुअली सपोर्ट नहीं करता है। तो आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आपके अगर किसी फ्रेंड के पास है तो आप उसकी हेल्प लेके आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि आपको फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल आइकन। सो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। दोस्तों, सबसे पहले आपको टाइप करना है गूगल सर्च बार में वर्चुअल लैब, और सबसे पहला लिंक होगा आपके सामने www.vlab.co.in। इस पर आपको क्लिक करना है। सो दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आपके सामने होगा। आपको सिंपली स्क्रोल डाउन करना है और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लैब पर क्लिक करना है। सो दोस्तों, जैसे ही आप इस लैब पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारी लैब्स हैं, लैब्स रेडी फॉर यूज। तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको मिल जाएगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, इस लैब पर आपको क्लिक करना है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं दिस सेज वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्चुअल लैब। सो आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स चेक करना है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो जैसे ही आप लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स चेक करेंगे तो आपको 6th नंबर पर मिल जाएगा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड 7th नंबर पर है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सो चलिए दोस्तों, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं नंबर 6 पर, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सो दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि थ्योरी, सिमुलेशन, क्विज एंड रेफरेंस। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है सिर्फ 2 मिनट हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। एज यू नो वेरी वेल द डेफिनेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन, इफ यू डोंट नो देन डोंट वरी, इट एक्चुअली कन्वर्ट्स ऑल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट। सो बेसिकली ये करंट जो एक फॉर्म में है उसको सिर्फ दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है वो करंट ही, यानी करंट को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, एसी टू डीसी। This is very simple. As you can see, this is your V in. That means जो आपने input दिया है in the form of sine wave. And this is your circuit. इस circuit के अंदर ये input आप दोगे और यहाँ पे मिल जाता है आपको V out. Okay? So आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो waveform है वो same नहीं है जो आपने input पर दी थी, वो नहीं है. So this is your actually pulsating DC. Pulsating DC means which is not actual the same as your AC. Here you can see your circuit that a diode is connected in forward biased in series with the load. Load is nothing but your resistor. Now the next point is half wave rectification for positive half cycle. That means when your diode is in forward bias. Forward bias you know very well. You should know the basic of this biasing, how you can connect your diode in forward biased and reverse biased. So dosto, is case mein hoga ye ki jab diode aapka forward bias mein hai, so this will act like a short circuit. Short circuit ka matlab hai actually this is giving a path to allow this wave.
That means this will passes the waveform through your circuit. So basically ये जो आप इनपुट आप यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको एज इट इज यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल योर आउटपुट विल बी सप्रेस्ड बिकॉज दिस विल एक्ट एज ओपन सर्किट. नाउ यू कैन सी इन दी फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज योर नेगेटिव हाफ साइकिल. सो नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है कि ऊपर से वेव आपकी जो आई थी व्हेन इट वाज इन द फॉरवर्ड बायस्ड, सो दिस वाज यू आर गेटिंग इन योर आउटपुट, बट नाउ दिस इज योर नेगेटिव हाफ साइकिल बिकॉज ये ग्राफ के नीचे है वेव, ठीक है, और ये वेव आपको यहां पर नहीं मिलेगी. दैट मींस आपका जो डीसी वोल्टेज होगा यहां पर जीरो होगा और करंट भी जीरो होगा. इसका मतलब है कि इस केस में आपका डायोड जो है रिवर्स बायस में है और इट इज एक्टिंग एज ए ओपन सर्किट. दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है सिमुलेशन ऑप्शन पर. तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रॉ सर्किट. तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर देख लेते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है. और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको ये जो इंटरफेस है कुछ ऐसा दिखेगा, आपके पास इंस्ट्रक्शन है एंड यू हैव ऑसिलोस्कोप एंड सर्किट, देन नीचे कंट्रोल्स हैं और यहाँ पर मिल जाता है आपको कैलकुलेशन. तो इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर सिर्फ जो कर्सर है वो लेकर आना है इंस्ट्रक्शन पर, और आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मिल जाएंगी. 1 to 8 इंस्ट्रक्शन गिवन है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, देन उसके बाद क्या करना है, देन यू विल गेट द रिजल्ट. दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस इंस्ट्रक्शन का एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप एक बार इसको रीड कर लें अच्छे से, या फिर इस वीडियो को पॉज कर लें और इस इंस्ट्रक्शन को एक बार रीड कर लें, सो दैट कि आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कैसे कैसे इसको फॉलो करना है. तो आप एक बार इसको रीड कर लें और फिर उसके बाद इस वीडियो को अच्छे से देखें. सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वैल्यू सेट करनी है लोड की, आरएल की. सो आप सर्किट देख सकते हैं कि हमारे पास है यहाँ पे एक डायोड, डायोड के पैरेलल में आपके पास मिल जाता है ऑसिलोस्कोप, और यहाँ पर है आपका इनपुट सोर्स दैट मीन साइन वेव एसी आप देंगे और यहाँ पर मिलेगा डीसी पल्सेटिंग डीसी, और यहाँ पर है आपके पास आरएल योर लोड, और यहाँ पर है ग्राउंड. तो जैसे कि मैं कोई भी वैल्यू रेंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ इस, ये जो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है लाइन का, इसको सिंपली ऊपर करना है और वैल्यू आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल है बेसिकली. तो लेट्स से कि मैंने 400 ओम सिलेक्ट कर लिया है. इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर, ऑन का ऑप्शन आपको मिल जाता है तो ऑन आपको करना है. तो जैसे ही आप ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये जो ग्राफ है यहाँ पे लाइंस आपको मिल जाती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो इसके बाद आपको साइन वेव पर क्लिक करना है. साइन वेव पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसका मतलब है कि आपका जो इनपुट है वो ये है साइन वेव. ओके, साइन वेव आपको मिल चुकी है, दैट मीन्स आपका इनपुट है. अब आपको सिंपली क्लिक करना है ऑसिलोस्कोप पर, आपको देखना है कि आपका जो रेक्टिफाइड आउटपुट है वो कैसा है. तो यहाँ पर आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि आपका इनपुट आपने क्या दिया है और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है. तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दें. तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमें आंसर कुछ ऐसा मिल जाता है, दिस इज योर पल्सेटिंग डीसी, ये आपका एक्चुअल आउटपुट वेवफॉर्म है. अभी हम देख लेते हैं कि ये जो चैनल्स हैं इसका मतलब क्या है. चैनल 1 का मतलब है कि आपका जो इनपुट है वो शो करेगा, चैनल 2 का मतलब है जो आपका आउटपुट है वी आउट है वो आपको वेवफॉर्म की फॉर्म में दिख जाएगा. ओके, और ग्राउंड का मतलब जो बेसिकली ग्राउंड है, ठीक है, दिस विल शो ओनली द ग्राउंड एंड दिस ड्यूअल विल शो बोथ द वेवफॉर्म्स योर इनपुट एंड आउटपुट. सो यू कैन सी द रेड वन इज योर आउटपुट एंड द ब्लू वन इज योर इनपुट. नाउ हेयर यू कैन सी द ऑप्शन गिवन हेयर, हेयर यू कैन सी फ्रीक्वेंसी, यू कैन चेंज इट. नाउ लेट मी मेक इट लाइक दिस. सो
इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स यू आर रिड्यूसिंग द वेवलेंथ. हेयर यू कैन सी वी हैव दिस सेकेंड ऑप्शन एम्पलीट्यूड. यू कैन चेंज द एम्पलीट्यूड एज पर योर नीड. दिस इज हाउ इट वर्क्स. दिस इज इन नेगेटिव एंड दिस इज इन पॉजिटिव. ओके दोस्तों, यहाँ पर एक कंट्रोल गिवन है. इस कंट्रोल का मतलब है चैनल वन के लिए. चैनल वन का मतलब क्या बताया था मैंने कि जो आपका इनपुट है, तो पोजीशन वाई को आप नीचे ऊपर कर सकते हैं लाइक दिस. आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं और उसको डाउन कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको नीचे किया तो आपका जो इनपुट है वो नीचे शिफ्ट हो गया है. दैट विल मेक योर विजुअलाइजेशन इजियर. चैनल टू दैट मीन्स योर आउटपुट. जैसे ही मैं उसको शिफ्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, और मैं उसको अगर नीचे करता हूं तो वो नीचे आ चुका है. दिस पोजिशन एक्स मीन्स दैट यू कैन चेंज द पोजिशन ऑफ योर वेव फॉर्म लाइक दिस एंड लाइक दिस. सो दिस इज वेरी ईजी. दिस इज फॉर योर रेफरेंस दैट यू कैन फाइंड द वी आर एम एस वैल्यू and VDC, ripple factor and peak current. Okay, and you can also use this calculator, virtual calculator. You can use it. This is for your reference. This is all from my side for this video. And if you have any problem, any kind of query, you can write in the comment section. I will definitely reply. So thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share, comment and subscribe.